नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। सुबह 10 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा मेरे दिल सहयोगी शिखा अंजलि भी आपको और जानकारियां इस बुलेटिन में देंगे, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करें जहां तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव पर बड़ा हमला किया है, बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि एनडीए को वोट दे दें लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिएगा। ये बड़ी खबर उस वक्त की बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है पप्पू यादव पर। पूर्णिया सीट को लेकर जिस तरह से रार चल रही है उस पर अब तेजस्वी यादव ने यह तक कह दिया कि एनडीए को भले वोट दे देना लेकिन पप्पू यादव को मत देना। या तो इंडिया की लड़ाई, या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात क्या तेजस्वी यादव कभी एनडीए उम्मीदवार को जिताने की बात कह सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले आप तेजस्वी यादव का बयान सुन लीजिए। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुनो। साफ बात। सुना आपने, कटिहार के कोड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने साफ कह दिया कि अगर आप बीमा को नहीं चुनते हो तो एनडीए को चुन लो। जाहिर सी बात है कि अब तेजस्वी को अपने ही पार्टी के उम्मीदवार बीमा की जीत पर भरोसा नहीं है। साफ बात है, अब तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विपक्ष में घबराहट है, उनको लग रहा है कि वे लड़ाई में कहीं नहीं है। ये सच्चाई है कि उनको लग रहा है कि मैं लड़ाई में कहीं नहीं हूँ। एक तरफा बयार बह रही है, फिर इस बार 400 पार जनता बोलने लगी है, तो इसलिए वो घबराहट में अपने को चुनाव तक आश्वस्त करना चाहते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी के बयान पर तंज करते हुए कहा कि तेजस्वी एनडीए को क्या जिताएंगे, एनडीए तो हर जगह जीत रही है। और सीधे हमारे साथ पप्पू यादव लाइव जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। पप्पू यादव जी, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है पप्पू यादव को वोट मत देना, भले ही एनडीए को दे दो। सर, अच्छा एक बात बताइए, वो अपने को वो राजा समझते हैं और उनको लगता है मुख्य कानून आज भी है, जनता मूर्ख है, जनता बेवकूफ है, जो हम कह देंगे ये मैं मानता हूँ। वो राजा हैं, उन्होंने राजा के तरीके से जिया है और हम लोग रंग के तो कुछ तकनीकी खामी के चलते पप्पू यादव से हम फिर से जुड़ेंगे, वो हमारे साथ लाइव जुड़े थे। लेकिन एक बार फिर से आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव आखिर पूर्णिया में क्या बोल गए। उन्होंने बोला कि भले ही आप एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं दीजिए। और तेजस्वी यादव ये वही हैं जो ये कह रहे थे कि हमारी जो लड़ाई है वो एनडीए के खिलाफ है। लेकिन अब देखिए, अब सीधी सीधी स्थिति ऐसी देखी जा रही है, खींचतान में पूर्णिया सीट एक ऐसी सीट बन चुकी है कि अब वहां पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भले ही आप एनडीए को वोट दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट ना दीजिए। ये अपील कर रहे हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव जिन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, जिन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और पूर्णिया सीट। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, सम्राट चौधरी ने भी तेजस्वी पर पलटवार किया है, कहा है यह हार मानने वाला बयान है। तेजस्वी यादव बुरी तरह हताश है। अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है सम्राट चौधरी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी तरफ से बात कही गई है कि जो बयान तेजस्वी यादव ने दिया है वो हार मानने वाला बयान है। ये पूरी तरह हताशा का बयान है, हार मानने वाले का बयान है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये लड़ाई कहीं है ही नहीं। 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।
बिल्कुल पप्पू यादव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए पप्पू यादव जी, बिहार में मुकाबला जो है दिलचस्प हो चुका है और पूर्णिया की सीट जो है वो हॉट सीट है। तेजस्वी यादव इस तरीके से तीखी बयानबाजी करते हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है पप्पू यादव को वोट मत देना, लेकिन क्या वजह है कि आप कुछ खुलकर नहीं बोल पाते हैं? पप्पू यादव जी आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल एक बार फिर से तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम वो हमसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, पप्पू यादव से सीधे सवाल करेंगे और बात करेंगे, क्योंकि बिहार में जो मुकाबला है वो दिलचस्प और रोचक होता जा रहा है। फिर से जुड़ गए हैं, एक बार फिर से जाना चाहेंगे पप्पू यादव जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? पप्पू यादव जी क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं बताना चाह रहा था जी, मेरा सवाल ये है कि तेजस्वी यादव इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों खुलकर कुछ नहीं बोल पाते हैं और क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं देखिए, अच्छा एक बात बताइए, जब जनता ही बोल रही है, जनता ही जवाब दे रही है, और आज मजबूर सब हो गए, पीएम भी सब आए, और 42 एमएलए के साथ लगभग 9 एमएलसी के साथ वो कैंप कर रहे हैं, फिर जदयू के 21 एमएलए कैंप कर रहे हैं, आज सभी लोग सम्राट जी सारे लोग कहीं पर भी रोड शो नहीं हुआ, पूर्णिया में सबका, आसाम में तेजस्वी जी जो अपने को राजा कहते हैं, राजा साहब का है, उनको लगता है कि जनता मूर्ख है। और जब जनता कई 100,000 किलोमीटर दूर अपने बेटे के लिए, इतिहास बनाने के लिए, खुद के मान सम्मान के लिए जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें पप्पू यादव की हैसियत क्या है मेरी? देखिए वैसे अच्छा, भी ये बताइए पप्पू यादव जी, तेजस्वी जी लोग, यादव जी मुझे ये बताइए, आपने कांग्रेस ज्वाइन की, गठबंधन है, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, लेकिन ये कैसा गठबंधन है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की, आप तो निर्दलीय उतरे हुए हैं, उनको एनडीए से ज्यादा लगाव हो गया, आपसे वो कह रहे हैं कि आपको वोट ना दें, ऐसी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? देखिए परेशानी तो वो बताएंगे ना मैम, हम तो उनके दिल की बात या उनके परिवार की बात, हम तो लालू यादव जी के साथ हमेशा रहे हैं, हम तो बोले तेजस्वी यादव जी आगे बढ़े, हम पूरी कोऑपरेट करने को तैयार है, हम तो उनसे इतना भी विपक्ष से लेकर के जब तेजस्वी जी जन्म नहीं लिए थे तब से हम लालू यादव जी के साथ रहे, लेकिन जब जब हमारी माँ चुनाव लड़ी तब भी ये लड़े, 20,000 वोट लाए, हम जब जब चार बार चुनाव पूर्णिया से लड़े तब कभी वोट वो लाए 28,000, कभी लाए 43,000, पहले भी इन लोगों ने कैंप किया, लालू जी हमारे खिलाफ कैंप किए, आज जिस तरीके से एकदम यहाँ दो दो तीन तीन हेलीकॉप्टर लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सीधा सवाल पर ये रहेंगे पप्पू यादव जी, सीधा सवाल, क्या तेजस्वी यादव डर गए हैं पप्पू यादव से? नहीं डर, देखिए एक बात समझिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा तो होती है, डर नहीं होनी चाहिए, और तेजस्वी यादव जी को दो बार डिप्टी सीएम बनना था, पिताजी ने उनका जो इच्छा थी कि नहीं डिप्टी नहीं, लेकिन जो धुरविरोधी है एनडीए, धुरविरोधी एनडीए है उसके, उसको तक वोट देने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपको वोट देने के लिए मना कर रहे हैं, तो क्या ये डर है? देखिए भाई तो आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए कि पप्पू यादव आज क्या कारण है कि मधेपुरा सुपौल जैसी सीट को हम छोड़ के जो गठबंधन दे रहा था, आप बहन सारी बात को जानते हैं, कोरोना में भी मैं नहीं डरा, आप याद कीजिए, बाढ़ में भी हम नहीं डरे, मरना पसंद किए लेकिन इंसान को नहीं छोड़े, आम आदमी को नहीं छोड़े, सबने अपनों को छोड़ा, मैंने सबके अपने को गले लगाया, तो आप इस बात को जरा सोचिए ना पप्पू यार, अभी मैंने दो दो सीट में एक सीट चुनाव लड़ लेते, एक परिवार के लोगों को हम दे देते, जब यही ट्रेंड चल रहा है अभी आप देख ही रहे हैं कांग्रेस में भी, तो मेरा मानना साफ है, मैं बहुत क्लियर हूँ कि हमारी जो एक लक्ष्य है वो है कोसी सीमांचल को
विकास के पहली पप्पू यादव जी, आपका जो लक्ष्य है आप लगातार उस बात को बता रहे हैं, लेकिन सवाल सभी के जहन में एक ही उठ रहा है कि आखिर लालू परिवार को आपसे आखिर क्या ऐसी परेशानी है, क्या कोई दुश्मनी है पुरानी, क्या ऐसी आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव जो एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे थे आज आपके ही खिलाफ हो गए और एनडीए के साथ हुए। देखिये उनका कहना था बीच में हम हेलीकॉप्टर क्या बीजेपी तो क्या क्या, हमको तो समझ में नहीं आता। कोई भी आदमी यदि जैसे ममता दीदी और कांग्रेस लड़ रही है तो कहाँ राहुल गांधी उन्हें बी टीम कह दिया, श्री राजा की पत्नी राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ रही है तो राहुल जी तो कुछ नहीं कहे, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं तो वो तो उनकी व्यक्तिगत तो और निजी हमले नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव तो किन्हीं के खिलाफ नहीं, मैं तो कहा दोनों बहन के लिए भी मैं जाऊंगा। शहाबुद्दीन साहब की पत्नी लड़ रही है जिसका बिल्कुल अकेला उनकी बात को छोड़ के लगभग इंडिया गठबंधन के लिए हम जाएंगे 26 के बाद, जरूरत पड़ेगी तो दोनों बहनों के साथ भी खड़े होंगे तो उसमें मेरी कोई। लेकिन ये कैसा गठबंधन है पप्पू यादव जी, जहां आप तो तैयार हैं सबके साथ खड़े होने के लिए लेकिन आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा, ये कैसा गठबंधन है? नहीं ठीक है, अब उनकी क्या दुविधा है, पप्पू यादव क्यों इतना नफरत करते हैं? मैं भी तो पूर्णिया कोसी मधेपुरा का बेटा हूँ, मेरा भी खून तो यही का है ना। मैं तो चाहूंगा तेजस्वी यादव जी से, जो राजा अपने को कहते हैं, मैं आप राजा हैं, जनता ने आपको जब जिताया है तो आप हैं राजा। आपसे मेरा आग्रह है कि 3 बार आप हार चुके लोकसभा पाटलिपुत्रा, मधेपुरा 2-2 बार हारे लग, तो आप अन्य जगह पर जहाँ हार रहे वहां भी देखिए, आप वहां भी आपको देखना चाहिए। आप तो 6 बार आ गए, आप लालू यादव से बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं आप उनके साथ काम कर चुके हैं, आप उनसे बात कर लीजिए, वो तो बड़े हैं समझेंगे। लालू यादव जी से 1 बार बातचीत नहीं हुई, मैं तो हाथ जोड़ के कहा कि यदि कांग्रेस ज्वाइन करना गलत है तो आप आरजेडी से मुझको पूर्णिया टिकट दे दीजिए, मैंने तो ये बात कही और आगे जो काम होगा मैं करूंगा। लेकिन मैं इतना बात आज आपको बता दूं, मेरा जो साथ निश्चय है और जो पप्पू यादव की आइडेंटिटी है सेवा की, मदद की और जस्टिस, वो 24/7 उपलब्ध रहने की। बिल्कुल पप्पू यादव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है खींचतान मची हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। तो तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ये बड़ी बात, चुनाव में हम ये देखते हैं गरीबी हो, गरीबी हटाओ जैसे मुद्दे हर चुनाव। मुख्यमंत्री जी हर चुनाव में हम ये देखते हैं गरीबी हो, गरीबी हटाओ जैसे मुद्दे हर चुनाव में बड़ा प्रोमिनेंटली विपक्षी दल हो या राजनीतिक दल हो सभी उठाते हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर जनता में जा रही है तो वहीं पर कांग्रेस एक झटके में गरीबी हटाने की बात कर रही है। आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वाकई लगता है एक झटके में गरीबी हटाई जा सकती है? देखिए गरीबी हटाओ